ये वीडियो अगर कंगना रनौत के पास पहुंचा और उस पर उन्होंने फोकस कर लिया ना, तो मैं मानता हूं उनकी जो आगे की जो फिल्म है तनु वेड्स मनु 3 वो सुपर डुपर हिट हो जाएगी। फिल्म फ्लॉप हो जाए उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो एक्टर की एक्टिंग खराब है। वो जो फिल्म थी उसे हम बोल सकते कि वो फिल्म कंगना रनौत की काफी जबरदस्त हिट फिल्म थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं दिप्तेश। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कंगना रनौत की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तेजस के बारे में। तो ये जो फिल्म तेजस रिलीज हुई है उसके अंदर कंगना रनौत जो है वो लेडी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का रोल निभा रही है और उनके किरदार का नाम है तेजस गिल। और ये जो फिल्म है ना वो उनके आसपास ही घूमती रहती है, ठीक है? तो अभी काफी लोग ये जानने को उत्सुक है कि भाई कंगना रनौत की फिल्म थी तो क्या इसका सीन रहा, हिट हुई या फ्लॉप हुई, क्योंकि पास्ट में उनकी काफी सारी जो फिल्म है वो हिट नहीं हो पाई है। तो उसके वजह से हर कोई ये जानने को उत्सुक रहता है कि भाई उनकी फिल्म का क्या होगा, हिट होगी या फिर ये फ्लॉप हो जाएगी। तो मुझे आपको बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि कंगना रनौत की ये जो फिल्म है वो फ्लॉप हो गई है, ठीक है? दुख इसलिए होता है क्योंकि कोई भी फिल्म बनती है तो उसके अंदर मेकर्स के काफी सारे पैसे लगे हुए होते हैं और किसी का भी लॉस होता है तो हमें उस पर हंसना थोड़ी चाहिए, हमें उसके ऊपर खुशी थोड़ी होगी, दुख ही होगा ना, ठीक है? तो किस तरह से कैसा इस फिल्म को लॉस हुआ तो मैं आपको बताऊं, ये जो फिल्म है ना वो 20 करोड़ के बजट में बनी है, ठीक है? और फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन के डेटा मेरे पास है, तो मैं आपको बताऊं 2 दिन के अंदर इस फिल्म ने 2 करोड़ 40 लाख की कमाई की है, ठीक है? मतलब 2.5 करोड़ के आसपास की उसने कमाई कर ली, समझ लो। मतलब 20 करोड़ का बजट, 2.5 करोड़ के आसपास की इस फिल्म की कमाई है, ठीक है? अभी आज संडे था तो आज संडे की बात करो तो आज ये फिल्म कितना कमाई होगी, ठीक है? 2 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़, ठीक है? तो इसको मैं ऐड भी कर दूं, चलो आज का मैं पकड़ लू, आज भी 3 करोड़ की मान लो ज्यादा कर ली है, 2 दिन की कंबाइन कर ली है, तो भी इस फिल्म की कमाई कितनी हुई होगी, ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ आप पकड़ लो, ठीक है? उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? और आगे तो मंडे है, ट्यूसडे, और आपको पता ही है कि वीकडेज जब होते हैं तो उसके अंदर फिल्म का अच्छा परफॉर्म करना यानी बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। तो समझ लो ये फिल्म फ्लॉप है, उसका 20 करोड़ जो है वो भी ये फिल्म रिकवर नहीं कर पाएगी। हाँ, उनका सैटेलाइट राइट कुछ बिका होगा, कुछ और इनकम उनको रही होगी, तो मैं मान सकता हूं कि 20 करोड़ तक जैसे तैसे करके प्रोड्यूसर इस फिल्म को लेके जा सकते हैं। हाँ, ओवरसीज की कमाई वो भी इतनी ज्यादा नहीं लग रही है, क्योंकि इंडिया का इतना है तो ओवरसीज मुझे लग रहा है कि 50-60 लाख के आसपास इसकी कमाई हुई होगी, तो इससे ज्यादा तो इस फिल्म की कोई कमाई है ही नहीं, ठीक है? तो पकड़ लो ये फिल्म फ्लॉप है। तो आज मैं बात किस चीज पे करूंगा कि भाई ये फिल्म फ्लॉप कैसे हुई, क्योंकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई है तो अभी हर कोई बोलेगा अरे कंगना रनौत तो बेकार एक्टिंग करती है, हर बार सिर्फ कुछ ना कुछ बोला करती है, कोई ना कोई स्टेटमेंट देती है, वो चर्चा में रहना चाहती है, ठीक है, लेकिन एक्टर के तौर पे बेकार है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिल्म फ्लॉप हो जाए उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो एक्टर की एक्टिंग खराब है, ठीक है? वैसे तो अभी हाल ही में गणपत करके फिल्म आई थी, ठीक है? वो फिल्म 200 करोड़ के बजट में बनी थी, ठीक है? उसके सामने लियो थी, विजय की साउथ की फिल्म थी, वो भी 200 करोड़ के आसपास ही बनी थी, लेकिन वो 500 करोड़ कमा गई। लेकिन टाइगर श्रॉफ की जो फिल्म थी, ठीक है, वो हार्डली आई थिंक 20 करोड़ के आसपास की कमाई इस फिल्म की हुई है, ठीक है? तो उस फिल्म में तो अमिताभ बच्चन भी है, तो क्या अमिताभ बच्चन की एक्टिंग खराब हो गई? जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है? तो कुछ रीजंस होता है जिसके वजह से क्या होता है कि फिल्में फ्लॉप होती है। कंगना रनौत की सारी फिल्में फ्लॉप क्यों जा रही है, ठीक है? आप देखो तो 2015 में कंगना रनौत की एक फिल्म आई थी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, ठीक है? वो जो फिल्म थी उसे हम बोल सकते कि वो फिल्म कंगना रनौत की काफी जबरदस्त हिट फिल्म थी। उसके बाद उनकी कोई हिट फिल्म नहीं है, ठीक है? हाँ, थोड़ा बहुत कोई सरप्लस प्रॉफिट कर लिया होगा, लेकिन हिट फिल्म नहीं। हिट फिल्म किसे बोलते हैं कि उनका जो बजट रहता है उसका डबल ट्रिपल जितना आप लेके आते हो तो उसे आप बोल सकते हो कि हाँ ये हिट फिल्म है। मान लो उनकी ये फिल्म है 20 करोड़ की, ठीक है, तो 20 में ये लोग 40 ऐड कर दो, ठीक है, तो ये फिल्म अगर 60 करोड़ के आसपास भी उनकी तेजस कर जाती ना तो हम लोग बोल देते कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट है, ठीक है? तो ये मैं पहले आपको एक क्राइटेरिया बता रहा हूं, ठीक है? तो क्योंकि लोग बोलेंगे अरे मणिकर्णिका आई थी वो भी तो हिट रही थी। नहीं, मणिकर्णिका हिट नहीं रही थी, हाँ उसने कुछ सरप्लस कमाया था,
ठीक है, लेकिन हम उसे हिट नहीं बोल सकते। तो उनकी हिट फिल्म रहेगी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, ठीक है। तो उसके बाद बैक टू बैक फ्लॉप, तो उसका रीजन क्या है? रीजन कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती है और वो मिस्टेक्स के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, उसकी वजह से ही उनकी फिल्में फ्लॉप होती है, ठीक है। तो आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे उनकी फिल्म तेजस की। तो कंगना रनौत की ये जो फिल्म तेजस है वो फ्लॉप कैसे हुए, ठीक है, तो उसके मैं आपको रीजन बताता हूं, ठीक है। ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कंगना रनौत खराब है या ऐसा कुछ भी नहीं है या उनकी एक्टिंग खराब, ऐसा नहीं, काफी सारे फैक्टर्स रहते हैं और इसके अंदर मैं नहीं बोल सकता ये किसकी भूल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ये टीम वर्क होता है, तो हम किसी अकेले को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन जब हम फिल्म ऐसी बनाते हैं ना कि वो कोई एक मेन एक्टर के ऊपर ही सेंट्री करती है, ठीक है, और वो मेन एक्टर उस फिल्म की यूएसपी रहता है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स जो होती है वो उनके साइड से भी होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस फिल्म ने कहां कहां पे मिस्टेक की, कौन सी गलतियों की वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई। तो सबसे पहले मैं बात करूं क्या इस फिल्म की सबसे बड़ी जो मिस्टेक है ना, वो इस फिल्म का एकदम खराब मार्केटिंग है। इस फिल्म की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी रही वो काफी खराब रही, ठीक है। आप बोलोगे अरे भाई क्या खराब रही, फिल्म का प्रमोशन तो हो रहा था, वो न्यूज चैनल पे भी जा रही थी, वो इंटरव्यू भी दे रही थी। देखिए न्यूज चैनल पे जाना, इंटरव्यू देना, लेकिन आप इस इंटरव्यू में क्या बोल रहे हो, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, जो इंटरव्यू ले रहा है वो बंदा आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। अगर वो आपकी फिल्म के इर्द गिर्द रहेगा तो लोगों को मजा आएगा, ठीक है, तो लोग जानेंगे अच्छा ये फिल्म है। अभी उसके उनके इंटरव्यू में होता क्या था कि उनके इंटरव्यू के अंदर फिल्म साइड में रह जाती, हाँ फिल्म की थोड़ी बहुत बातें हो जाती थी, लेकिन पूरी बात कहाँ पे हो जाती, पॉलिटिक्स के ऊपर, ठीक है, कंट्रोवर्सीज के ऊपर। मतलब जो इंटरव्यू किया है फिल्म के प्रमोशन के लिए और वो पूरा इंटरव्यू पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सीज की भेंट चढ़ जाता था, ठीक है। तो लोगों को पता तो चला कि कंगना रनौत की फिल्म आ रही है, तेजस करके फिल्म है, उनकी देशभक्ति के ऊपर फिल्म है, ठीक है, ये मैसेज लोगों को गया, पर लोग ज्यादा कुछ जान नहीं पाए, क्योंकि देखो लोगों को ये भी जानना है ना कि इस फिल्म के अंदर खास क्या है। मार्केटिंग के अंदर मेन चीज क्या होता है कि भाई कोई सैमसंग का फोन है, एप्पल का फोन है, तो दोनों यही बोलेंगे हमारा फोन है, तो ये तो बेसिक सबको नॉलेज है, लेकिन उसके अंदर खास एडवांस फीचर क्या है, ठीक है, जिसके वजह से आपको वो फोन लेना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज सेम चीज इस फिल्म के साथ हुई कि मार्केटिंग तो हुआ, लोगों को पता भी चला तेजस फिल्म है, लेकिन क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए भाई, देशभक्ति तो हर किसी को पसंद है, लेकिन देशभक्ति का मतलब ये तो नहीं कि मैं हर बार जाके थिएटर में जाके देशभक्ति के ऊपर की एक फिल्म देखूंगा, नहीं, ये तो देशभक्ति नहीं है, आप देख सकते हो, लेकिन देशभक्ति ये नहीं कि बस जाए और फिर फिल्म देख के आए, ठीक है। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्में आई थी, उरी भी आई थी, लोगों ने देखी ना, पर बार बार तो मैं अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए कोई भी फिल्म आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा ना, तो मुझे इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, मार्केटिंग से मुझे इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा कि भाई हमारी फिल्म में ये चीज यूनिक है, तुमने भले कितनी ही तुमने देखी होगी देशभक्ति की फिल्म, लेकिन हमारी जो फिल्म है ना उसमें कुछ यूनिक है। तो ये चीज ये लोग अपने मार्केटिंग के थ्रू कन्वे नहीं कर पाए, क्योंकि उनका जो इंटरव्यू रहा, मैं बता रहा हूं ना, कंगना रनौत की अब जो पर्सनालिटी क्रिएट हो गई ना मीडिया के अंदर, उससे क्या हुआ कि वो कुछ भी बोलती है ना, लोग उनकी फिल्मों से रिलेटेड, उनके करियर से रिलेटेड बातों को लेते ही नहीं है, लोग सीधा उसको पॉलिटिक्स के साथ जोड़ देते हैं, या उनके भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, या उनके भी जो स्टेटमेंट होते हैं ना वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। दूसरी बात करूं, दूसरा रीजन जो है जिससे इस फिल्म को काफी नुकसान हुआ, ऐसा मेरा मानना है, तो वो है एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी खराब तो रही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत भी ये फिल्म अच्छा कर पाती अगर उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एग्रेसिव नहीं होती। देखिए हम लोग बात करते हैं सन्नी देओल की, शाहरुख खान की, ठीक है, तो शाहरुख खान की आपको पता है जब पठान मूवी आई थी, ठीक है, तो कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी। उसका गाना था बेशरम रंग कहां देखा दुनिया वालों ने, तो उनका ये जो गाना था आपको मालूम है ना वो गाने को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन शाहरुख खान ने उसके ऊपर अपना मुंह नहीं खोला,
उन्होंने जाने दिए, देखो हम लोग काम बन के, हम लोग शांत बन के फिल्म का मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, लोगों को जो बोलना है आप बोलते रहो, मैंने तो एक फिल्म बनाई है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है, मेरा ये मोटिव है। तो ऐसे शांत होकर ये मोटिव वो जाने देते थे। कोई कितना भी हल्ला करता था, शाहरुख खान कोई भी कंट्रोवर्सी हो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते थे, और कोई भी कंट्रोवर्सी के ऊपर शाहरुख खान जी कुछ भी बात नहीं करते थे, ठीक है। तो लोगों की उन्होंने इस तरह से एक सिंपथी गेन की, और इसका शाहरुख खान जी को फायदा मिला, ठीक है, पठान में भी मिला, जवान में भी मिला। वैसे ही सन्नी देओल का ले लो, ठीक है, सन्नी देओल का भी नाम कुछ किसान आंदोलन जो हुआ था पंजाब के अंदर, उसके अंदर वो कुछ बोल नहीं रहे थे ऐसे। देखो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं फिल्म जर्नलिस्ट हूं, तो ऐसी काफी सारी चीजें हुई थी जिसके अंदर उनका नाम उछला था, ठीक है। तो उनको लगा था कि भाई ये सारे फैक्टर मेरी फिल्म को अफेक्ट करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, मतलब ऐसा भी थोड़े बयान दिए, जैसा मेरे को सुनने में आया था कि ऐसा कुछ बयान दिया था कि मैं अभी पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। तो ये सारे जो बयान उन्होंने दिए ना, ये उनके फेवर में गए। दूसरा, सन्नी देओल की फिल्म के लिए भी कुछ लोग आवाज उठा रहे थे, ठीक है, कि ये ऐसी फिल्में बनाता है, वैसी फिल्म बनाता है, पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करता है, ठीक है, ये सारे मुद्दे उनकी फिल्म को लेकर भी उठे थे। लेकिन सन्नी देओल ने भी क्या किया, सेम वही चीज, उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी पर कोई भी बात नहीं की, सिंपली शाहरुख खान हो सन्नी देओल हो, दोनों ने क्या किया, लोगों के बीच गए, जेन्युइनली बोला, मतलब लोगों को ये दिखाया कि भाई मैं एक्टर हूं, मेरा काम है फिल्म बनाने का, हम लोग ने ये फिल्म बनाई, फिल्म के अंदर हम लोग ये कन्वे कर रहे हैं, इतनी अच्छी फिल्म है, आप जाइएगा आप देखिएगा, इसके अलावा ये लोग ने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। लेकिन आप कंगना रनौत को पकड़ लो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिल्म के प्रमोशन के अंदर काफी सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये लगा, मतलब शाहरुख खान और सन्नी देओल के केस में लोगों को उनके प्रति सिंपथी जगी कि नहीं, लोग इनको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग देखो ये लोग बहुत ही शांत है। लेकिन कंगना के केस में क्या लोगों को मैसेज गया कि देखो कंगना ने कैसे उनको आंसर दे दिया, और बोल रहे अरे ये क्या है यार, कुछ लोगों ने मतलब कंगना को कैसे देखा गया, कुछ लोगों ने कंगना रनौत को ऐसे नजरिए से देखा, अरे भाई ये क्या होता है, इसकी फिल्में चलती नहीं है और ये कंट्रोवर्सी उनकी ज्यादा चलती है, ठीक है। और कंट्रोवर्सी के चक्कर में क्या हो गया, एग्रेसिव मार्केटिंग में क्या हुआ कि लोग फिल्म के बारे में जो भी बोलते थे ना, तो वो सारी चीजों में वो रिप्लाई करती थी, ठीक है, और वो जो रिप्लाई करती थी ना वो पूरा पॉलिटिकल वे में होता था और पूरी चीजें पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ जाती थी, ठीक है। तो ये सारा नुकसान कंगना रनौत जी को हुआ, अगर उन्होंने इस फिल्म के लिए ऐसी स्ट्रेटजी नहीं अपनाई होती ना, तो उनकी फिल्म आगे निकल गई होती, ठीक है। तीसरी बात मैं करूं, तीसरा पॉइंट क्या है कि भाई फिल्म को एक सही समय पे रिलीज करनी चाहिए, ठीक है। कोई भी फिल्म हम लोग रिलीज करते हैं, आप देखना कि फिल्म मेकर्स क्या करते हैं कि उनको फिल्म, आज के जमाना, पुराने जमाने का भूल जाओ, आज के जमाने की बात करूं तो उनको अगर फिल्म रिलीज करनी है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले देखते हैं कि भाई एक्सटेंडेड वीकेंड का कुछ बेनिफिट मिलता है क्या, भाई कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ आता है क्या, ठीक है, कोई बड़ी फिल्म तो नहीं आ रही है ना, अगर हमारी बड़ी है तो साथ में किसी और की तो नहीं आ रही ना, मतलब लोग आजकल बहुत संभल संभल के फिल्म मेकर स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है, और देख भी रहे कि भाई पास्ट में, मतलब नजदीक के पास्ट में कोई फिल्म चली है, अच्छी चली है, चलो हमारी थोड़ी डिले कर देते, तो ये सब स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। अभी तेजस फिल्म के मेकर्स ने क्या किया कि भाई हाल ही में गदर 2 जैसी फिल्म आई थी, वो देशभक्ति के ऊपर ही थी, ठीक है, वो लोगों ने देखी। उसके बाद वैक्सीन वॉर आई, वो भी देशभक्ति के आसपास ही थी, लेकिन उसकी पिटाई हो गई, ठीक है। तो उनको समझ जाना चाहिए था कि जो ऑडियंस होती है वो एक ही टॉपिक बार बार नहीं देखेगी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो एक ही टॉपिक बार बार देख लेती है, एक ही टॉपिक की एक ही साथ आई हुई फिल्में चल जाती है, लेकिन वो कभी कभी होता है, हर बार तो नहीं होता है ना। और ऐसे केस के अंदर आपको समझाना होगा कि भाई हमारी जो फिल्म है उसके अंदर ये चीज यूनिक है, देखो आपने देशभक्ति वाली गदर 2 देखी है, लेकिन हमारी फिल्म के अंदर बहुत ही अलग है, काफी डिफरेंट है, आप पास्ट की जितनी भी फिल्म आई वो फिल्म से हमारी फिल्म के अंदर ये चीजें अलग है। तो ऐसा कुछ लोगों को बताते तो ठीक है, चलो तब भी ये फिल्म चल जाती, ठीक है। तो गलत टाइमिंग कहां पे हुई कि भाई ऐसी फिल्म आ गई गदर 2, वो हिट हो गई, 500 करोड़ जितनी बड़ी अमाउंट कमा चुकी थी, वैक्सीन वॉर आ गई, वो पीट गई, तो भाई आपको समझ जाना चाहिए था
कि भाई ये फ्लॉप हुई है, हमारी भी सेम देशभक्ति का ही टॉपिक है, तो हमें इसको थोड़ा डिले कर देना चाहिए। तो अगर उन्होंने ये फिल्म को डिले कर दिया होता ना, तो उनको काफी बेनिफिट मिलता, ठीक है। तो ये उनकी गलती हुई कि जो रिलीज का टाइम था उसको उनको थोड़ा डिले करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हर बार तो बंदा देशभक्ति की फिल्म देखने जाएगा, एक ही जेनर की फिल्में, एक ही टाइप वाली फिल्में लोग कितनी बार देखेंगे, ठीक है, ये भी तो बात है ना। हाँ, फिल्म में कुछ अच्छा है तो डेफिनेटली लोग देखने जाने ही वाले हैं, ठीक है, कुछ नयापन है, ठीक है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, देखो जितने भी रिव्यू आए ना, काफी सारे, मतलब मैंने तो काफी सारे रिव्यूज सुने हैं, उसमें से मैंने एक रिव्यू सुना, आपने भी शायद वो सुना ही होगा, बहुत ही पॉपुलर रिव्यू है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसने रिव्यू किया है, पर जिसने भी किया है ना, उसने इसके अंदर क्या मेंशन किया पता है, कि भाई आपको ना तेजस फिल्म को स्किप कर देना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको घर पे जाके उरी फिल्म, जो भी OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है वहां पे जाओ, उरी फिल्म लगाओ, उसको ही देख लो भाई, या फिर टीवी में जब भी आए उरी फिल्म आएगी उसको दूसरी बार देख लेना, क्योंकि भाई सेम तरह की फिल्म है तो भाई आपको क्यों ही इस फिल्म को देखना है, ठीक है। तो ये रिव्यू किसी ने डाला था, राइट, तो मैं जो बोल रहा हूँ वही बात आ गई ना, कि भाई आपका टॉपिक जब सिमिलर है तो आपको थोड़ा उसको रिलीज का डिले करना चाहिए था, क्योंकि इस टॉपिक की गदर 2 जैसी फिल्म थी वो सुपरहिट हो गई थी, राइट। तो ये इस फिल्म का सबसे बड़ा इस फिल्म का मसला था, ठीक है, कि भाई सही टाइम पे रिलीज नहीं की। चौथा पॉइंट में बताऊं तो गाने, देखो बॉलीवुड में फिल्में किस चीज से चलती है, तो देखो फिल्म अच्छी है तो चलेगी, कंटेंट अच्छा है तो चलेगी डेफिनेटली, लेकिन गाने भी फिल्म के मार्केटिंग में एक अहम किरदार होते हैं, ठीक है। गाने अच्छे हैं तो लोगों को फिल्म के बारे में पता चलेगा, आजकल तो क्या होता है ना, फिल्म के गाने अच्छे हैं तो लोग उसके ऊपर क्या करेंगे ना, रील बनाने लगेंगे, ठीक है। तो गदर फिल्म आई थी, उसके गाने अच्छे थे तो उस पर कितनी रील बनी, ठीक है। अभी ये जो जवान आई थी उसके गानों पर भी कितनी अच्छी अच्छी रील बनी, ठीक है। तो रील बनाते हैं लोगों, रील वायरल होती है, लोगों के दिमाग में वो गाना गूंजता रहता है, लोग सोचते हैं ये गाना कौन सी फिल्म का है, और फिर सर्च करते और पता चलता है कि अरे ये गाना तो ये फिल्म का है, ये फिल्म इस तारीख को रिलीज हो रही है। तो अच्छे गाने मतलब फिल्म की अच्छी पब्लिसिटी, तो ये फिल्म के गाने इतने भी अच्छे नहीं थे, ठीक ठाक थे, एवरेज थे, कोई भी गाना ऐसा नहीं कि जो वायरल हो गया। तो भाई थोड़ा बहुत वो गाने पे भी अच्छा सा एक ऑडियो बनाते, अच्छा सा एक ऑडियो मेकर्स रेडी करवाते तो उसका डेफिनेटली बेनिफिट फिल्म को मिलता, नो डाउट। इसके अंदर अरिजीत जैसे सिंगर्स भी है, लेकिन भाई सारे गाने तो ऐसे हिट नहीं होते है ना, तो ऐसे हिट गाने इस फिल्म के अंदर नहीं थे, तो जिसका भी लॉस मेकर्स को हुआ। तो ये रीजन है कि जिसके वजह से तेजस फिल्म नहीं चली और तेजस फिल्म फ्लॉप हो गई। मैं यहाँ पे फिर से बोलूंगा कि तेजस फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंगना रनौत की एक्टिंग बेकार है, वो बेकार एक्ट्रेस है, ठीक है। उनकी ये जो मैंने रीजन गिना है, वो रीजन के वजह से मुझे लग रहा है, मेरा ये मानना है कि ये रीजन के वजह से शायद उनकी ये जो फिल्म है वो इतनी नहीं चली और ये जो उनकी फिल्म है वो फ्लॉप हो गई, ठीक है। देखो, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आगे भी कंगना रनौत की फिल्में फ्लॉप रहेगी, ठीक है। हाँ, उनको थोड़ा पॉलिटिक्स से अपने आप को थोड़ा अलग करना पड़ेगा, जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ एटीट्यूड जो वो अंदर आ जाता है ना, पॉलिटिक्स में वो बहुत ही डिफेंसिव हो जाती है, लोगों का सामना कर लेती है, कुछ भी पॉलिटिकल फटाक से स्टेटमेंट देती है, वो सब अगर काम करेंगे तो मैं बताऊँ आगे उनकी एक फिल्म आ रही है जो सुपर डुपर हिट होने वाली है। कौन सी है वो फिल्म? तो तनु वेड्स मनु जो फिल्म आई थी उनकी, जो हिट रही थी, उसकी सिक्वल आई थी 2015 में, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, उसकी अभी नेक्स्ट फिल्म आ रही है तनु वेड्स मनु 3। तो ये वीडियो को अगर कंगना रनौत जी ने पॉजिटिवली ले लिया, मतलब ये वीडियो अगर कंगना रनौत के पास पहुंचा और उस पर उन्होंने फोकस कर लिया ना, तो मैं मानता हूं उनकी जो आगे की जो फिल्म है तनु वेड्स मनु 3 वो सुपर डुपर हिट हो जाएगी, ठीक है। मैं मान रहा हूं कंगना जी को सिर्फ क्या करना है, अपनी फिल्म जब रिलीज होने को आ रही है उसके कुछ महीने पहले से ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना बिल्कुल ही बंद कर देना है, और पूरी की पूरी जो बात है ना वो फिल्म के ऊपर ही करनी है। तो अगर ये चीज कंगना रनौत ने कर दी ना, तो आप पकड़ लो उनकी आगे जो भी फिल्म आ रही है वो फिल्म की अगर स्टोरी वगैरह अच्छी है तो वो सुपर डुपर हिट होगी, एटलीस्ट सुपर डुपर हिट नहीं भी होगी तो एटलीस्ट उनका जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है, जो बजट है, उसको तो इजीली वो रिकवर कर पाएगी,
ठीक है। तो मेरा यहाँ पे इंटेंशन किसी को भी नीचा दिखाना नहीं है, और मैं खुद भी कंगना रानावत का बहुत बड़ा फैन हूँ, वो काफी अच्छी फिल्में बनाती है, ठीक है, काफी अच्छी उनकी फिल्मों के अंदर एक्टिंग रही है, और इसीलिए मैंने सोचा कि ये एक वीडियो बनाता हूँ जिससे लोगों को भी पता चले कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे का रीजन क्या है, और मेरे को एक कंगना रानावत जी को ये बताना भी था। हाँ, मैं कौन होता हूँ कंगना रानावत जी को एडवाइस देने वाला, पर मुझे लगा कि ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है तो उनको मुझे ये चीजें बतानी चाहिए। देखो, मैं नहीं मानता हूं कि वो जो पॉलिटिक्स चल रही है वो गलत है या सही है, उस पर मुझे जाना भी नहीं है, ठीक है। हाँ, वो जो कर रही है, उनको जो सही लगा वो कर रही है, वो उनके हिसाब से अच्छा है तो वो कर रही है, उसकी एनालिसिस में मैं जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, ठीक है, मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं जो हूं वो फिल्म जर्नलिस्ट हूं, ठीक है। तो ये सब काम जो है वो लोग पॉलिटिक्स के जो जर्नलिस्ट है वो करते रहेंगे। मैंने तो जो मेरे फिल्म का जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जो मेरा जर्नलिस्ट के तौर पे, फिल्म जर्नलिस्ट के तौर पे जो एक्सपीरियंस है वो मैंने तो कंगना रानावत को बताया है, मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा तेजस फिल्म का एनालिसिस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दें।